स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये है टेक न्यूज, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आज पूरे दिन में क्या कुछ नया हुआ है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। मतलब कौन सा नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, कौन सा नया ऐप लॉन्च हुआ है और कौन सा ऐप आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो सबसे पहला अपडेट है सैमसंग के बारे में। सैमसंग का नया फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है सैमसंग S20 और आइस यूनिवर्स ने कन्फर्म किया है इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो टोटल स्पेसिफिकेशंस हैं वो लीक हो चुके हैं। इसके अंदर होगी जो S20 वर्जन होंगे उसमें होगी 120Hz की डिस्प्ले। 120Hz की डिस्प्ले, वो भी सैमसंग की तरफ से, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है एक स्मार्टफोन को यूज़ करने में। सैमसंग हाई क्वालिटी डिलीवर करेगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उनका फ्लैगशिप डिवाइस है। इसी के साथ जो सैमसंग का S20 वर्जन होगा उसमें होगी 6.2 इंच की डिस्प्ले और वो सबसे छोटी डिस्प्ले होगी। फिर उसके बाद आता है सैमसंग S20 प्लस जिसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले होगी और सैमसंग S20 अल्ट्रा, इसकी डिस्प्ले के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। और इन तीनों ही स्मार्टफोन में प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का यूज किया जाएगा। और सैमसंग का ये जो फ्लैगशिप डिवाइस है ये 11 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा और उसी के एक दो हफ्ते बाद ये मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएगा परचेज करने के लिए। अगली न्यूज और ये है Xiaomi वर्सेस Realme के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले जब Realme आई थी तो Realme ने Xiaomi का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि वी डोंट सेल एड्स वी सेल स्मार्टफोन। ये इसलिए सरकाज़म किया क्योंकि Xiaomi के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें एड्स आते हैं, उनके जो MIUI है वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसमें एड्स दिखाकर पैसे छाप सकती है कंपनी, मोटे पैसे, और किले खरीद सकती है जदो पंगा पै जावे। लेकिन फिर Realme दिसंबर 2019 आते आते गलती से इधर उधर निकल गई और अपने जो OS 7 है उसमें एड्स दिखाने लग गई। फिर Xiaomi का जो जमीर है वो जागा और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक कॉपीकैट कंपनी जो कि कॉपी कर रही है हमारे ब्रांड को, वो कहती है वी डोंट सेल एड्स वी सेल स्मार्टफोन्स, और अब वो एड दिखा रहे हैं अपने। तो ये जो ट्वीट है ये मनु कुमार जैन का ऑफिशियल ट्वीट है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बातें उन्होंने अल्फाज यूज किए Realme के खिलाफ। तीखे शब्द, तीखे शब्दों से याद आया हिमाचल वाली हाय तीखी बाड़ी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल आने वाली है और आई थिंक वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप स्मार्टफोन्स के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। वन प्लस के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको कोई भी निश्चित कार्ड यूज करने पे या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करने पे। कॉल ऑफ ड्यूटी का भी नया अपडेट आने वाला है और कॉल ऑफ ड्यूटी के नए अपडेट में नए मैप्स को ऐड किया जाएगा और नई स्किन्स को ऐड किया जाएगा और कुछ नए मोड्स ऐड किए जाएंगे। अब वो ऐड कर रहे हैं और पबजी छाप देगा डेटा कॉपी करके। CES 2020 का दी एंड हो चुका है और अब नए इवेंट की बारी है और ये नया इवेंट है WMC 2020। अब WMC का मतलब है वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस और ये पूरे वर्ल्ड के जो स्मार्टफोन्स हैं या जो टेक फेस्ट होते हैं उनमें सबसे बड़ा फेस्ट होता है टेक का। बहुत सारे इनोवेशंस, नए नए इन्वेंशंस वहाँ शोकेस किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई जाती है। धूम मचा ले। DJI Mavic Mini के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, कमेंट्स आप लोगों ने किए अच्छे अच्छे। और अब जो DJI की ही अगली न्यूज़ है, DJI Matrice 300 आने वाला है और ये भारी भरकम ड्रोन है, एकदम हाई क्वालिटी डिलीवर करने के लिए सिने ड्रोन है और ये रिप्लेस करेगा जो मार्केट में Matrice 200 और 210 अवेलेबल है उनको, उनसे अपग्रेडेड वर्जन है। बहुत लोग मांग रहे थे विदेश में, इंडिया में नहीं मांगते लोग क्योंकि पता है ड्रोन्स उड़ाना इतना आसान नहीं है जो 250 ग्राम से ज़्यादा हो। भाई लोग, मैंने कुछ समय पहले मैजिक वॉच 2 के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों को पसंद आई नहीं आई, आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताई। ओके, मैं शेक हो गया। बल्ले बल्ले
तो उस वॉच की सेल स्टार्ट हो चुकी है Amazon के ऊपर, 13,000 और 15,000 दो वेरिएंट में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से अपनी औकात अनुसार परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। मैं बिना वॉच के रहना पसंद करूंगा, ठीक है। ये तो हो गई टेक की सारी बात। आपको याद है एक सिंगर था, Smack that all on the floor, smack that, वो वाला Akon, जी हाँ, वो कुछ समय से लापता चल रहे थे और फिलहाल उनके बारे में एक न्यूज आई है कि वो एक खुद की एक सिटी बिल्ड करेंगे, Akon सिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, तो उस सिटी में जो करेंसी यूज की जाएगी वो क्रिप्टो करेंसी होगी और ये सिटी ही पूरी उसके ऊपर बेस्ड होगी। बता दूं कि जो Akon सेनेगल में जन्मे थे, 7 साल की उम्र के बाद वो अमेरिका चले गए, लेकिन Akon ने पूरे एकदम मना वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, स्लिम शेडी के साथ गाना गाया, रोक मचाया। तो सेनेगल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2000 एकड़ जमीन उनको दी और उसी जमीन के ऊपर वो अपनी Akon सिटी बिल्ड करेंगे और अफ्रीका को एकदम मतलब सफलता की ओर एक कदम रखेंगे। तो गाना सुनिए बेबी बेबी, ओहो ये तो Akon का नहीं है, ठीक है, मैं Akon से मिल के आता हूँ, बाय बाय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आई होगी, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। कैसे लगे आपको ये टॉपिक्स? अगर पसंद आए तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, हम अपने चैनल को ग्रो करने में दिन रात की मेहनत कर रहे हैं और इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और टेक्नोलॉजी से जुड़ना, यहाँ जो आ रहा है ना इंस्टाग्राम वाला, यहाँ जाके टेक्नोलॉजी सर्च करो, एकदम स्टोर्ड इन सेकेंड्स। हाँ क्या कहा, Akon बुला रहे हैं, अभी आया।